भौगोलिक विविधताओं से भरा हमारा देश भौतिक, मानवीय और सांस्कृतिक तत्वों का अटूट संगम है। अनेकता में एकता हमारी पहचान है, हमारा आदर्श है। लेकिन बात जब आपदाओं की आती है तो यही भौगोलिक विविधताएं अति संवेदनशील हो जाती हैं। देश की 70% से भी अधिक खेतीहर जमीन सूखे की जद में है, जबकि देश के बड़े भूभाग पर भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। 2% जमीन बाढ़ के खतरे से जूझ रही है। आपदाएं जब भी आती है अपने साथ भारी तबाही को लेकर आती हैं। आपदाओं के गुजर जाने के बाद भी समाज के कामकाज गंभीर रूप से प्रभावित रहते हैं और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इनका सामना करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हों। आपदाओं की गंभीरता को समझते हुए ही राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत स्तर पर ग्राम आपदा प्रबंधन योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। आपदा प्रबंधन के कार्य को 5 स्तर पर किया जा सकता है। प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपरेशन, रेस्पॉन्स, रिकवरी। आइए इन चरणों को विस्तार से समझते हैं। प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का तात्पर्य उन कार्यों से है जिनका उपयोग घटना को टालने या उसके प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। सावधानी संबंधी साइन बोर्ड लगाना, सुरक्षा उपकरण लगाना आदि इसके उदाहरण हैं। मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब उन उपायों से है जिनका उपयोग अपरिहार्य आपात स्थितियों के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए भूकंप रोधी भवन निर्माण, लाइफ जैकेट्स आदि। प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का अर्थ आपदा से जान माल के संभावित नुकसान को रोकने की तैयारी से है। पंचायत क्षेत्र में आपदा से बचाव की तैयारी में निम्नलिखित चीजें शामिल हैं। प्रमुख मार्गों पर से अतिक्रमण को हटाना, अवैध निर्माण को रुकवाना, राहत और बचाव कार्य से संबंधित मॉक ड्रिल करवाना, ग्राम सभा में आपदा से संबंधित बैठकें करना, जिम्मेदारी तय करना, आपातकालीन आश्रय स्थल का निर्माण करवाना, आपदा आपूर्ति आदि उपकरणों की व्यवस्था करना, स्थानीय आबादी में से प्रशिक्षित स्वयं सेवकों के संगठनों का विकास करना, मार्गों के आसपास लगे कमजोर पेड़ों को सहारा प्रदान करना या दुर्घटना की आशंका को देखते हुए उन्हें कटवा देना। रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स का मतलब आपदाओं के आने पर किए जाने वाले कार्यों से है। इसमें प्रमुख रूप से शामिल है बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को प्राथमिकता देना, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाना, लाउडस्पीकर से लोगों को आवश्यक जानकारी देना, टूटे हुए बिजली के तारों को हटवाना, दूषित जल की सफाई करवाना, खतरे की आशंका को देखते हुए बिजली सप्लाई कट करवाना, रात में लोगों को संदेश देने के लिए लालटेन, टॉर्च, फ्लैशलाइट आदि का उपयोग करना, खिड़कियों और दरवाजों को हवा के विपरीत दिशा में खोल देना। रिकवरी। प्रभावित क्षेत्रों में बिजली और पानी की सप्लाई दोबारा चालू करवाएं, घायलों और मृतकों की सूची बनाएं, सार्वजनिक संपत्ति को कितना नुकसान पहुंचा है उसका आकलन करें, स्थानीय रेडियो और समाचार चैनलों की खबरों को सुनें, उपयोगी सुविधाओं की टूट फूट हुई है तो उसकी जांच करें और अधिकारियों को रिपोर्ट करें, घर या इमारत के क्षतिग्रस्त होने पर अपने स्थानीय काउंसिल से संपर्क करें, नुकसान का रिकॉर्ड बनाएं और फोटो खींचे, आवश्यकता अनुसार मीडिया का उपयोग करें। ध्यान रहे कि आपदा प्रबंधन के कार्य को सभी के सहयोग के साथ ही किया जा सकता है, इसीलिए याद रहे आपदा से नहीं घबराना है, एक दूसरे का साथ निभाना है, हर मुश्किल को दूर भगाना है। जय हिंद, जय भारत।